हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मानसी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी स्टाइलिंग टिप्स जो कि एक विंटर के लिए होने वाला है। जैसा कि शादियां पड़ रही हैं, विंटर्स में बहुत सारे लोग शादियों में इन्वाइटेड हैं। ये मान सकते हैं कि बहुत जगह बहुत कम लोग इन्वाइटेड हैं, लेकिन जो भी इन्वाइटेड हैं उनको साड़ी पहनना कौन सी लेडीज को, कौन सी लड़की को नहीं पसंद। मोस्ट प्रॉब्ली सभी लोग प्रेफर करते हैं साड़ी पहनना शादी पार्टी में, और मुझे भी जैसा कि बहुत ज्यादा पसंद है साड़ी पहनना, और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी साड़ी पहनना बहुत पसंद होगा। तो गाइज, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि आप विंटर्स में साड़ी को कैसे स्टाइल करें, किन चीजों के साथ एक्सेसराइज करें और किस तरीके से उसे पहनना है, और कैसे आप विंटर्स में ठंडी से भी बच सकते हैं और साड़ी भी बहुत ही एलिगेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि यदि आपके पास कोई ब्यूटीफुल सा स्वेटर है जो कि स्लिम फिट है, अच्छी खासी फिटिंग उसकी काफी अच्छी है, तो ऐसे स्वेटर को आप चूज करो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा लॉन्ग स्वेटर है, काफी नीचे तक आ रहा है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्वेटर है जो कि आप देख सकते हो। नेक भी काफी एलिगेंट और बहुत ही सही साइज का है कि आपको ज्यादा ठंडी भी नहीं लगने वाली, और नेक भी काफी अच्छे से अरेंज है। और इसमें मैंने अपना एक हैवी नेक पीस भी पहन लिया है और जो इसके साथ काफी अच्छा लग रहा है। और सेम मैंने इसके साथ गोल्डन रिंग्स और इयररिंग्स और नेकलेस गोल्डन किया हुआ है। गोल्डन काफी अच्छा लग रहा है इस स्वेटर के साथ। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इस स्वेटर के साथ कौन से कलर की साड़ी पेयर करने वाली हूँ। मेरे स्वेटर में पर्पल कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई हैं जो कि मैं इसके साथ मिक्स एंड मैच करने के लिए काफी अच्छी है। पर्पल कलर की साड़ी मैं इसके साथ पहन सकती हूँ। और मैं आपको गाइस एक टिप्स देना चाहूंगी, आप ट्राई करना हमेशा कि आपको इस सिल्क की साड़ी ही ट्राई करो विंटर्स में पहनना स्वेटर के ऊपर। तो वो क्या होता है कि यदि आपके पास मैचिंग का कोई वेलवेट ब्लाउज नहीं है, जिसको कि आप मैचिंग का कोई उसके साथ ऐसा स्वेटर नहीं है, तो आपको यदि किसी के साथ मिक्स एंड मैच करना है तो सिल्क की साड़ी एक ऐसी साड़ी होती है जिसको पहनने के बाद ठंडी भी नहीं लगती है। और सिल्क की साड़ी मोस्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो होती है वो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट होती है। तो प्लेन साड़ी पहनना और उसको मिक्स एंड मैच करना बहुत ज्यादा इजी होता है। अब मैंने इसे पैकिंग कर लिया है और अब मैं अपनी ये पर्पल कलर की ब्यूटीफुल साड़ी को इसके साथ पहनूंगी। आपको अपने रेगुलर जैसे आप साड़ी पहनते हो, आपको उसी तरीके से पहनना है साड़ी, आपको अलग तरीका नहीं अपनाना है। मेक श्योर गाइज, आप अपनी साड़ी पहनने से पहले अपनी हील्स जरूर कैरी कर लेना। इससे क्या होगा कि आप अपनी हाइट मैनेज कर पाओगे। अब आपको अपने पल्लू को अच्छे से अरेंज करते हुए एक सैटिन से इसे सिक्योर कर लेना है, क्योंकि सिल्क की साड़ी है, बहुत ज्यादा गिरती है, तो बेटर है कि आप उसे सैटिन से सिक्योर कर लें। मैंने पल्ला बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया है ताकि मुझे कैरी करना बहुत इजी हो। बाकी यदि लंबा पल्ला कैरी करने में आप कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप लंबा पल्ला ले सकते हो, बट मैं इसे फ्लो पल्ले के साथ लेने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा ही रखा है ताकि मैं इसको इजिली कैरी कर पाऊँ। नाउ यू कैन सी द लुक गाइस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल इन विंटर्स। और इसी तरीके से आप भी अपनी कोई भी साड़ी को स्टाइल कर सकते हो। कोई भी साड़ी स्टाइल करना इसमें बिल्कुल भी दिक्कत वाला काम नहीं है। बट गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, कोई ट्रांसपेरेंट साड़ी का मतलब मिक्स एंड मैच मत करना आप, क्योंकि यदि हम शिफॉन वगैरह ट्राई करते हैं तो वो इतनी ग्रेसफुल नहीं लगती है। जब हम शादी वगैरह में किसी स्वेटर्स के साथ उसे वेयर करते हैं तो इतना ज्यादा लुक अच्छा नहीं आता है। मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली ट्राई किया था, बट वो लुक अच्छा नहीं बना, तो वो वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो उसके साथ ज्यादा लुक अच्छा बैठता नहीं है। दूसरे स्टाइल के लिए सबसे पहले गाइज, आपको अपने इस तरीके से जो हमारा पल्ले का साइड आ रहा है उसको आपको यहाँ पे एक सेफ्टी पिन कर लेना है, ताकि आपको इजी हो आगे का पल्ला सेट करना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे टेम्परेरी, और उसके बाद हम अपनी पल्लू प्लीट्स बनाएंगे। एक रफली पल्लू प्लीट्स बना लेंगे हम। और मेजरमेंट लेने के लिए पहला काम हम एक मेजरमेंट लेंगे अपने पल्लू का कि हमें कितना बड़ा पल्लू रखना है इसमें। नाउ मैंने पल्लू का जो मेजरमेंट है वो ले लिया है, और अब हम पल्लू की प्लीट्स को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पल्लू की प्लीट्स बना लेते हैं। पल्लू की प्लीट्स आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से बना सकते हो। मैं इस तरीके से कंफर्टेबल होती हूँ ताकि मैं अपने अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेती हूँ। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे ही से बना सकते हो। नाउ पल्लू प्लीट्स आर अरेंज्ड, और इसको हम एक सैपे पिन से सिक्योर कर देंगे। सीधा लुक गाइस किस तरीके से प्लीट्स इस तरीके से अरेंज होके आ रही हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इस तरीके से पल्ला बच रहा है, जिसको मैं इसी साटे पेन के साथ सिक्योर फिर से अगेन कर दूंगी, जो हमने पहले ही इसको सिक्योर किया था। उसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों को पिन करके मैं इस तरीके से यहाँ पे इसे सिक्योर कर दूंगी, ताकि मेरा पल्ला बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। देन नाउ यू कैन सी द लुक गाइस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये आगे से प्लीट से प्रॉपर तरीके से सेट है, और ये लुक मोस्ट प्रॉब्ली एक बॉर्डर वाली साड़ी के साथ बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और आप चाहो तो इसे साइड में हाथ पे ले सकते हो। ये आपकी विश है, यदि नहीं लेना है तो आप अपने पल्ले को यूं ही पीछे भी छोड़ सकते हो, और अपने पल्लू को भी आप यहाँ पे इस तरीके से सिक्योर कर दीजिए, ताकि आपका पल्ला इधर उधर ना हो। और नाउ यू कैन सी द लुक गाइस, कितना ब्यूटीफुल लुक लग रहा है, और ये प्लीट्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसी तरीके से आप भी पहन सकते हो। सो गाइज दिस इज द ब्यूटीफुल ट्रिक, और ये आप ट्राई कर सकते हो विंटर्स में, और बहुत ज्यादा अच्छा हेल्पफुल है। और सबसे पहली चीज, यदि आप ट्राई करना चाहते हो, यदि कोई स्वेटर्स ट्राई नहीं करना चाहते हो, तो आप अपना एक वेलवेट का ब्लाउज बनवा सकते हैं। साड़ी के कलर का वेलवेट ब्लाउज सिलवा लो, काफी वार्म होता है, उसको आप वेयर कर सकते हो किसी भी विंटर्स में, किसी भी विंटर्स की वेडिंग्स में, तो वो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। आई होप आपके लिए ये ट्रिक भी काफी हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो गाइज वीडियो को कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर। मिलते हैं गाइज किसी अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय।